कानपुर में ट्रैफिक चालान से परेशान होकर ऑटो चालक ने की आत्महत्या। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। टेक ऑफ से पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से उठा धुआं, उड़ान रद्द। अजरबैजान आर्मेनिया की जंग में अब तक 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत। प्रतिस्पर्धी नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं की मित्र है हिंदी, अमित शाह। पूछताछ के बीच ईओडब्ल्यू दफ्तर में ही लंच करेंगी जैकलीन फर्नांडिस, मिली इजाजत। तमिलनाडु में हिंदू ग्रुप ने कोयंबटूर में होटल में की तोड़फोड़, पेरियार पर नाम होने से आपत्ति। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक बातचीत बढ़ाने की कोशिश करेगा यूरोपियन कमीशन। अहमदाबाद में निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरी, 7 लोगों की मौत। मुकुल रोहतगी फिर बन सकते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए अब करना होगा आवेदन, सीएम केजरीवाल का ऐलान। भारतीय समुद्री सीमा के 9.5 किलोमीटर अंदर से पाकिस्तानी नाव पकड़ी गई। बेगूसराय में फायरिंग पर एक्शन में नीतीश सरकार, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीषण हादसा, बस खाई में गिरी, 11 की मौत। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हरिद्वार में मृत पाए गए, पुलिस की जांच जारी। महाराष्ट्र में सांगली में बच्चा चोर समझकर 4 साधुओं के साथ मारपीट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाका, कम से कम 5 लोगों की मौत। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर लंदन पहुंचा, बकिंगम पैलेस के लिए रवाना हुआ। गोरखपुर में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में अभ्यर्थी की जगह एग्जाम देने वाला सॉल्वर गिरफ्तार। ताइवान पर हमला रोकने के लिए चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर बकिंगम पैलेस लाया गया। नागालैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सुरक्षा कर्मियों ने कई लोगों का रेस्क्यू किया। आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर जाएंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और अमित शाह अलग अलग दौरे पर गुजरात में रहेंगे। महाराष्ट्र में मुंबई के सान इलाके में लगातार बारिश से जलभराव के हालात। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।